70 सालों से सोई हुई है मेरी मौत, आज मैं अपनी मौत को अकोला में जगाने आया हूं। पढ़ने वाला नहीं बचेगा,
तुम्हारे आया अजान देने वाला कोई नहीं बचेगा। तुम्हें कसम है ताजमहल के हुस्न की, तुम्हें कसम है जामे मस्जिद के मीनारों की, तुम्हें कसम है लाल किले की। मर जाओ इस मुल्क को छोड़कर, ये मुल्क तुम्हारा है। भले पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ है, पाकिस्तान धर्म के नाम पर, लेकिन हिंदुस्तान सेक्युलरिज्म के नाम पर आजाद हुआ है। हिंदू और मुसलमान, सिख और ईसाई सबके साथ न्याय साथ रहेंगे। वादा किया गया था जितने मुसलमान पाकिस्तान गए उससे ज्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे और पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा खुलेआम लगा रहे। मोदी जी, यह मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये मुल्क कानून से चलेगा, किसी के बाप के कहने से नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट एक बार कह दे, एक बार कोर्ट ये कह दे, अगर मुसलमान तुमको हिंदुस्तान में रहना है तो तुमको वंदे मातरम पढ़ना जरूरी है, तब हम आपसे चर्चा करने को तैयार है। कहा हम किसी के आगे अगर सर झुकाते हैं तो सिर्फ अल्लाह ताला के आगे झुकाते हैं। हम इस देश के लिए अपनी जान देने को तैयार हैं। हमारी मां से बढ़कर कोई नहीं है। मां की अजमत जितनी इस्लाम ने दिया है उससे ज्यादा शायद कहीं मां की अजमत नहीं है, और हमारे लिए मां सबसे बड़ी चीज है। लेकिन उसके बाद भी मां के सामने हम सर नहीं झुकाते, मां की इज्जत करते हैं, मां का अदब करते हैं, मां के लिए जान देने को तैयार रहते हैं। ये कहते हैं कि मां की आपको वंदे मातरम पढ़ना जरूरी है। अरे भाई, जिसने जमीन को बनाया ना, मैं उसकी पूजा कर रहा हूं ना। मोदी जी सुन लीजिए आप, हम इस मुल्क में किसी की मेहरबानी पर जिंदा नहीं है, किसी नेता या किसी अफसर के मेहरबानी पर नहीं है, और हमें किसी हुकूमत की मेहरबानी भी नहीं चाहिए। अगर हम जिंदा है तो अल्लाह ताला की मेहरबानी पर जिंदा है, और हमें अगर मेहरबानी चाहिए भी तो अल्लाह की मेहरबानी चाहिए। और याद रखना, जब से शरीयत बनी है, कुरान आया है, रहती दुनिया तक इस निजाम को कोई माई का लाल बदली नहीं कर सकता। मुझे जाना कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली होती रहती है, लेकिन अल्लाह ताला के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली नहीं होती है। एक बार बन गया तो बन गया, मतलब ये रोजाना बात हो रही है। सुबह अखबार उठाते हैं तो बोले आज फलां जगह 3 आदमी मार दिए गए। रोजाना कहा जा रहा है कि इस पर कानून सख्त बनाओ, दूसरे दिन अखबार उठाओ बोले यहां 4 लोगों को पकड़े मारा गया। रोज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मुझे याद है दोस्तों, मैं उस दिन पढ़ रहा था एक किताब जिसमें पंजाब के अंदर जलियांवाला बाग में हिंदुस्तानी कानून के खिलाफ एक आंदोलन कर रहे थे, तो जनरल डायर आया, 3 फुट के रास्ते पर तोप लगाया और 3-4 हजार आदमियों को गोली मार दिया। एक लड़का था जिसकी उम्र थी 14 साल, क्या नाम था? उधम सिंह 14 साल की उम्र का था, और उधम सिंह लाशों को परखता था, देखता था, चिल्लाता था। जो लोग बचे वो लोग बाउंड्री से कूदे तो कुआं था, उसमें मर गए। वो चीखता था कि मेरे पुरखों को, मेरे मां बाप को मार दिया गया, मैं क्या करूं? उसको जाकर कंप्लेन करना चाहिए, कंप्लेन किसको करेगा? जनरल डायर पर लंदन बुलाया गया और उसे बहुत बड़ा स्वागत किया जा रहा था कि ये इतना बहादुर सिपाही जिसने एक साथ 3-4 हजार हिंदुस्तानियों को गोली से भून दिया। उधम सिंह ने कसम खाया कि मैं जनरल डायर से बदला लेकर रहूंगा। वेतन का काम किया, बढ़ाई का काम किया, लंदन चला गया। इंडिया रास्ते में लंदन के अंदर उसको मार सकता था, लेकिन नहीं मारा उसने। उसने कहा जहां महफिल लगेगी, स्टेज लगेगा, जहां इसका स्वागत होगा ना, वहीं मारूंगा। और जब स्वागत के लिए ऐसी स्टेज बना होगा और सब उसकी तारीफ के लिए तालियां बजा रहे थे, तो उधम सिंह हाथों में रिवॉल्वर लेकर आया और धड़ाधड़ उसके सीने में ठोक दिया। वहीं कमे उधम सिंह, वहीं कमे जनरल डायर मर गया। उसको पकड़ा गया, कोर्ट में पेश किया गया। जज ने बोला उधम सिंह तुम भाग सकते थे, तुम रुके क्यों रहे?
बोला मैं हिंदुस्तानी हूं, पीठ पर गोली नहीं छाती पर गोली खाऊंगा। और जिस दिन मुझे लंदन की कोर्ट में फांसी की सजा होगी और इसका फोटो हिंदुस्तान पहुंचेगा, याद रखना जज साहब, एक उधम सिंह को तुम फांसी दोगे, 10,000 नए हिंदुस्तान में उधम सिंह पैदा हो जाएंगे उसी दिन। मैं हुकूमत से क्या कहना चाहता हूं, उधम सिंह के उधम सिंह हमारा मुजाहिद आजादी है और जुल्म से लड़ने का उसने हमें सबक सिखाया। मैं एमपी, एक एमपी हूं, एमएलए हूं, मैं आज यहां से रात की ट्रेन में जाना चाहता हूं, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। जिस डिब्बे में 70 लोग बैठने चाहिए 300 लोग खड़े जाते हैं। मैं देखता हूं बसों की छत पर लोग जा रहे हैं, जीप में लोग खड़े हैं, पीछे 5 आदमी बेचारे लटके हुए किराया लेकर के। किसी बजरंगर वाले को आदमियों का ख्याल नहीं आता, नहीं केस करते रेलवे पर, नहीं केस करते बस के ऊपर कि भाई ये आदमियों के साथ क्या हो रहा है, जानवर के साथ होता है ना, तो जानवर बहुत प्यारा है, जानवर ही लगते हैं लोग मुझे तो। मैंने कहा कि देखो तकरीब में जितने जानवर आते हैं व्यापारी अच्छी तरह से अपने जानवर को संभालना जानता है, अगर उसकी सीन टूट गई, अगर उसकी चमड़ी कट गई, अगर उसकी खुर टूट गई, तो जानवर कुर्बानी काबिल नहीं होगा, उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप जो है ना बकरीद में एक गाड़ी भी चेक मत करना और कोई भी बचन घर वाला सड़क पर दिखना नहीं चाहिए। मैंने कहा कि महाराष्ट्र से लगा हुआ गोवा है, जैसे वो भाई वहां बैठे हैं, ये बीच में बॉर्डर है, ये लोग यहां बैठे हैं, वहां गाय बैल कटे तो सड़क जैसा, यहां कटे तो बंद। क्या हिंदुस्तान दो है क्या, एक ही हिंदुस्तान होना चाहिए, बंद करो पूरे देश के अंदर, ये दोगली नीति मत करो। और बहुत ताकत है तो गोवा में बंद करके दिखाओ। मोदी जी गोवा वालों ने कहा अगर बंद किया ना तो तेरी सरकार की खट्टी बजा देंगे एक दिन के अंदर। ये लोग सिर्फ गाया बैल के नाम पर लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि पूरे देश में गाय और बैल बंद करो और एक भी लोग गाय बैल को मत काटना, क्योंकि पाप है। एक किसान कौन पालता है गाय बैल, किसान, किसान की हालत गिर में क्या है, किसान आत्महत्या कर रहा है, खुदकुशी कर रहा है किसान, भारतवर्ष की इकोनॉमी बोल रही है, किसान खुदकुशी कर रहा है, ये क्या है भाई, और अब ज्यादा ही कर रहा है। जब किसान गाय और बैल पालता है, बैल से खेती करता है, जब बैल बूढ़ा हो जाएगा, गाय दूध नहीं देगी, तो किसान बेचारा उस गाय और बैल को बेच करके 5-10 हजार जो भी उसको पैसा मिलता है उसमें मिला करके दूसरी ऐसी गाय और बैल खरीदता है जिससे वो दूध ले और खेती करे। सही है कि गलत है, पत्रकार भाई बोलो आप ये बात सही है कि नहीं। जब वो किसान इस गाय और बैल को नहीं बेच पाएगा और आज इस मुल्क के अंदर गरीब लोग अस्पताल में बैठे हैं, भाई मेरी किडनी ले लो, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा बच्चा भूखा है। आज इस देश के अस्पतालों में लोग बैठे हैं गरीब लोग, मेरे बदन का खून ले लो, मुझे पैसे दे दो, मेरी बेटी की शादी होने वाली है। एक बच्चा पकड़ा गया, जब पकड़ा जिस बच्चा जहां मिला उस आदमी को पकड़ा गया तो पूछा गया तुम बच्चा कहां से चोरी किया, कहा नहीं साहब चोरी नहीं किया, मैं तो खरीदा। कहां से खरीदा चलो बताओ, गए बाप के पास, बाप ने कहा मैंने 20,000 में बच्चा बेचा है, इसलिए बेचा कि मेरी बेटी की शादी है, मेरे पास पैसा नहीं है तो मेरे बच्चे को बेच दिया। अरे मोदी जी, जिस मुल्क के अंदर लोग किडनी बेचते हो, बच्चा बेचते हो, खून बेचते हो, पेट पालने के लिए पैसा ना हो, जहां किसान भूख की वजह से खुदकुशी कर लेता हो, वहां क्या वो गाय को संभालेगा, नहीं संभालेगा, कभी भी वो बेच देगा। और अगर आपको गाय से मोहब्बत है तो आप बजट के अंदर प्रोविजन बनाओ, जितने भी गाय वो कसाई को या किसी व्यापारी को बेचता है ना, उतने पैसे में सरकार उस गाय बैल को खरीदे और उसे ले जाकर छावनी में रखे और उसे तंदुरुस्त बनाए। तब मैं समझूंगा कि आज गाय और बैल से आपको आपको जो है कुछ मोहब्बत है। लात तो मार दिया गया, मंदिर में जाकर के माइक लेकर के मार दिया, पत्थर से मार दिया उसके सर को। उसने अपने दोस्त को फोन किया कि भाई, उसका दोस्त हिंदू था, उसने फोन किया कि भाई मुझे लोग मारने आ रहे हैं, मेरा दरवाजा लोग तोड़ रहे हैं, जल्दी आ जाओ,
उसका दोस्त दुकान बंद करके जब तक पहुंचे ना जब तक उसको ईंट से लेकर उसका सर कुचल कुचल के उसको मार रहा। और जब लोग मदद करने के लिए जा रहे हैं, समाजवादी की सरकार मदद करने के जाती है तो 5,000 लोग वहां खड़े जाकर धरना करने लगते हैं। अखिलेश यादव ने हेलीकॉप्टर हवाई जहाज भेजा और उस आदमी को हवाई उसके पूरे परिवार को हवाई जहाज से बिठाया और बिठा करके लखनऊ में बुलाया। लखनऊ में बुलाकर उसको 45 लाख रुपया दिया, 45 लाख रुपया, और कहा कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों की पढ़ाई, तुम्हारे घर के एक फर्द की नौकरी और आइंदा भी तुम्हें जिस तरह की जरूरत पड़ेगी समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है। ये इनके कलेजे में कलेजा इनका फटने लग गया। समाजवादी पार्टी को सामुदायिक बोलने लगे ये लोग, अगर मुसलमानों की कोई मदद कर देगा ना तो कहते हैं उसका ऐसा प्रचार करो कि इस देश का 85% मुसलमान, 85% हिंदू समाजवादी पार्टी से अलग हो जाए। ये चल रहा है, इकलाक मारा गया। जुनेद मैं पढ़ा, जुनेद छोटी सी जगह में हाफिज़ कुरान था, तरावी पढ़ाया और आखिरी दिन तरावी के लोगों ने चंदा जमा करके, जैसे मस्जिद में जब तरावी खत्म होती है तो लोग इमाम को पैसे देते हैं, वो बेचारा उस पर पैसे लेकर खुशी खुशी अपने भाई को लेकर ट्रेन में बैठा के दिल्ली में जाकर कुछ शॉपिंग करूंगा ईद की, उसको मार दिया लोगों ने। ये मुसलमान दिखता भाग रहा था ना तो ट्रेन में डिब्बे में बैठे हुए लोगों ने पकड़ के लाया, फिर दिया उसको और उसको मार दिया गया। मोदी एक जबान नहीं बोले आज तक, और इसके जो मारने वाले हैं उनकी जमानत भी हो गई। पहलू खान को मारा, अलीमुद्दीन को मारा, कासिम को मारा, बच्चा चोरी के नाम में लोगों को मारा। क्या रोज हो रहा है मुल्क के अंदर, कितना जिंदगी होगा, कब तक कहना चाहता हूं दोस्तों, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, अब फकत शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ होटो को हिलाने से कुछ नहीं होगा। जिंदगी के लिए बेमौत मरते ही क्यों हो और अहले ईमान होकर शैतान से डरते क्यों हो, अहले ईमान होकर शैतान से डरते क्यों हो। तुम भी महफूज कहां अपने ठिकाने पे हो, याद रखना बाद इखलाक जुनेद तबरेज और पहलू खान तुम्ही लोग निशाने पे। मैं गया था नांदेड़, मुझे आए हिमायत बेच घर मुझे गए ले गए लोग, तो डॉक्टर से उधर का पढ़ा लिखा है हाईली क्वालिफाइड लड़का और जेल में, जब मैंने पूरी हिस्ट्री उसकी निकाली तो उसको जबरदस्ती पकड़ा गया और दो लोगों को पकड़ गवाह बनाया गया, जो लोग कहते हैं हमने हिमायत बेग के बारे में कुछ जानते नहीं हम, उनको 3 महीने तक पूरा के अंदर एक कमरा कोर्ट बनाया गया और कोर्ट के अंदर कैसे बयान दिया जाता है, कैसे जज बैठते हैं, इन पुलिस वालों ने बैठ करके वहां ड्रामा रचा और 3 महीने के बाद कोर्ट में बच्चों को पेश किया कि तुम हिमायत बेग के बारे में गवाही दो। सुनो क्या हो रहा है इस मुल्क के अंदर। और जब वो बच्चा पहुंचा, रेहान नाम का लड़का, जब कोर्ट के कटघरे में खड़ा हुआ और उसने कहा कि 3 महीने से पुलिस वाले मुझे परेशान कर रहे गवाही के लिए, तो आज तो मैं जज के सामने हूं, आज तो दिल खोल के बोल दूंगा कि भाई ये सब मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं गवाही देने आया। वो खड़ा हुआ, आज जज साहब मैं हिमायत बेग के बारे में कोई चीज नहीं जानता, जब तक पुलिस वालों की दादागिरी देखो कितना दिल का बढ़ गया है, कितनी इनको हिमायत है सरकार की, ये गए उसका कारण पकड़े ऐसा पीछे से और कहा जैसे कि तरह घबरा गया लाता हूं वापस। बाहर ले गए और एक टेलीफोन उसके कान पर लगाया, उधर उसकी बहन है, बहन कह रही है बेटा रेहान हम लोग 3 दिन से पुलिस के कब्जे में हैं, अगर तुमने अपना कोई बयान बदली किया तो तुम समझो हमें भी जेल में डाल देंगे या मार के फेंक देंगे, बेटा तुम हमारी जान बचा दो। तो रेहान बेचारे ने और गौस ने जैसा जैसा पुलिस ने कहा था वैसी गवाही दे दिया और उस गवाही पर हिमायत बेग को फांसी की सजा हो गई, फांसी की सजा। मैं बहुत रोया उस दिन, वो लोग जो हुकूमत करने बैठे थे वो फकीर हो गया। खुदा की नजर हिमायत बेग के घर वालों के पास 2,500 रुपया हर महीना मनी ऑर्डर करके बेटे के खाने के लिए पैसा नहीं है। अगर मैं कोई वकील करता हूं तो मेरा वकील एक दिन का 5 लाख रुपया फीस लेता है,
अगर मैं सुप्रीम कोर्ट जाता हूं मेरे हैसियत का आदमी, तो 25 लाख रुपया वकील पहले लेता है और एक गाड़ी के 10 लाख रुपया लेता है, और हिमायत बेग को फांसी की सजा इसके बाद 2500 नहीं है कि वो अपनी अपने खाने के लिए कुछ कर सके। क्या मेरी कौन के साथ आज कौन सी गलती किया है हमने? खुदा की कसम, जिसके कब्जे में जान मेरी है, मैं अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं। मैं राजनीति में 1 रुपया हराम सुअर का गोश्त नहीं कमाता। मैं अपना कमाया हुआ पैसा, अपने बिजनेस का पैसा ले जाकर के लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूं, और अगर बाद में कुछ हो जाए तो भाग के जाता हूं, माने गांव में कुछ हो जाए चिल्लाता हूं, पूरे देश में कुछ हो जाए जाकर कोशिश करता हूं, लेकिन मुझे पावर मिल जाए ना, मैं इनके बाप को ठीक करता हूं। मुझे पावर चाहिए, और पावर इसलिए चाहिए कि इस दबी हुई कौम को इसका हक देना चाहता हूं। सुन लो हिंदुस्तान वालों, सुन लो बैठे हुए एक एक लोग, क्या हो रहा हमारे साथ? वो लोग जो अपने मुल्क के लिए अपनी जान देना चाहते हैं, उन्हें दहशतगर्द बताया जा रहा है। मुझे खुशी हुई कि पाकिस्तान का लोग हाफिज शरीफ इलेक्शन लड़ा था, दहशतगर्द है, पाकिस्तान वालों ने थूक दिया, एक को नहीं जिताया। ये दहशतगर्द है, दहशतगर्द है, इसे पाकिस्तान ने एक सीट नहीं जिताया। मेरे मुल्क में छात्र प्रज्ञा सिंह खड़ी हुई, और मेरे मुल्क के लोगों ने उसको वोट देकर पार्लियामेंट खरीद दिया। वाह 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 वाह, जो गांधी जी को गाली दे रही है, नाथूराम गोडसे को बड़ा महान बना रही है, जो करकरे को बतवा दे रही है, वो पार्लियामेंट चली गई, जिसको जेल में सजा काटना चाहिए था। ये मैं सुनू, मेरी माओ बहनों का घर में घुस करके रेप करो, ये सुनू मोदी, मैं सुनू क्या? इसके बारे में महाराष्ट्र में आज मुसलमानों की तादाद 12% और जेल में 40%, ये तुम्हारी हालत इस देश के अंदर है, कानून खत्म हो चुका है, कोई कानून नहीं है। ये मुल्क फिरका परस्ती की आग में जल रहा है। मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, इसका एक ही रास्ता है, इसे लड़ने का एक ही रास्ता है कि सारे लोग वोटर लिस्ट में नाम लिखाओ, और जब इलेक्शन आए ना, सबसे कम मुसलमानों का वोट पड़ता है, सब वोट दो, और हिंदू भाइयों से आपसी भाईचारगी को बढ़ाओ। तुम्हारा पड़ोसी अगर हिंदू है, उसे कह दो कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का हूं, मुझे कहा गया है कि तुम्हारे पड़ोसी को अगर जरूरत पड़ेगी अपने बदन का आखिरी कतरा उस पड़ोसी को देकर अपनी जान बचाना। और मैं असेंबली में अकेला हूं, आवाज सुनते हो नहीं सुनते हो आसिम की तुम लोग, और कितने कोई भी माइक का लाल हो, तुम्हारा भाई किसी के सामने डरता नहीं है। अब की बार मुझे तुम लोग 4-5 एमएलए दे दो, खुदा की कसम अगर ठीक नहीं कर दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं।